हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सही टेक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप अगर वेबसाइट या ब्लॉग चलाते हैं तो उसका साइट मैप कैसे जनरेट करें। हाँ फ्रेंड्स, हम लोगों को गूगल में रैंक करवाने के लिए या उसका सेटिंग के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, खाली पोस्ट करने से नहीं होता है। इसके लिए हम लोगों को बहुत पेज बनाना पड़ता है, जैसे XML साइट मैप, मेटा टैग, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आपका है बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है जिसको आपको इनेबल या एक्टिवेट ऐड करना पड़ता है। आप अगर नहीं करेंगे तो आपका जो साइट है वो रैंक नहीं करेगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना जो साइट मैप है उसको जनरेट करके अपना ब्लॉग में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आप क्या करना है, अपना जो ब्लॉग है उसको ओपन करना है। ठीक है, आप कौन सा ब्लॉग में इसको साइट मैप को जनरेट करना चाहते हैं, तो एक बात कहना चाहेंगे फ्रेंड्स, आप अगर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं, ठीक है, आप अगर डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बनना चाहते हैं और घर बैठे घर आसानी से पैसा कमा सकते हैं, कहीं जाने का दरकार नहीं है, तो बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल में ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। फिलहाल मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, खुद डिजिटल के ऊपर काम करती हूँ, जिसके बाद समय जितना मिलता है आपके लिए यूट्यूब में वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये मेरा लाभ जो है व्हाट्सअप स्टेटस ब्लॉग है। ठीक है, ये फ्री, बिल्कुल फ्री है। आप ही इसे फ्री करके, मतलब फ्री साइट बना के इसके ऊपर आप ऐड लगा के पैसा अर्न कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसे ही छोटा छोटा टिप्स आपको देते रहेंगे और आप आसानी से सीख पाएंगे कि कैसे किसके बाद क्या करने से आपका जो एडसेंस साइट बन पाएगा और आप ऐसे ऐड लगा के उसमें पैसा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर और एक बात कहना चाहूँगी, आप एडसेंस के थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं और एडसेंस से हट के दूसरा चीज़ के जरिए भी आप पैसा कमा सकते हैं। वो तो आपको बाद में बताएंगे, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बगल में जो बेल घंटी का निशान है उसको पुश करना पड़ेगा। जैसे मैं नए नए वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए मेरा इस ब्लॉग चलता है और भी ऐसे 25 के ऊपर अपना ब्लॉग है। ठीक है, तो आप भी ऐसे अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फर्स्ट क्या करना है, आपको गूगल ओपन करना है। आप जैसे ही गूगल ओपन करेंगे उसके बाद आपको लिखना है ब्लॉगर XML साइट मैप जनरेटर। ठीक है, आप जैसे ब्लॉगर XML साइट मैप जनरेटर सर्च कर रहे उसके बाद आपको फास्ट जो लिंक देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, ये वाला फास्ट लिंक, इसको आपको क्लिक करना है। मैं न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ। अब जैसे मैं ओपन किया, देखिए इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। ये हर बार चेंज होता रहता है, क्योंकि पिछले जो ब्लॉग था उसके ऊपर मैंने जब काम किया था इसका इंटरफेस सब हो गया, इससे घबराने की आपको कोई दरकार नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे XML साइट मैप और ब्लॉग। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपना जो ब्लॉग का URL है, आप कौन सा ब्लॉग का URL को ऐड करना चाहते हैं उसको कॉपी करें। उसके बाद आप यहाँ पे पेस्ट करते, अब जैसे पेस्ट कर देंगे और जनरेट क्लिक करते, देखिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मेरा कुछ गलती है, तो मैं इसको कंट्रोल ए कर रहा हूँ और पेस्ट कर दे रहा हूँ, सॉरी कट कर दे रहा हूँ। उसके बाद फिर से जा रहा हूँ और ये कॉपी पेस्ट और ये जनरेट टूल, ये देखिए बन गया। ठीक है, फर्स्ट में मेरा कुछ प्रॉब्लम हुआ था जिसके वजह से ये नहीं हुआ। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो साइट मैप का है ऊपर का ये छोड़ के आपका इतना सा जो पोजीशन है इसको ले लेना है, कॉपी करना है और कॉपी करके आपको ब्लॉग में ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं कैसे ऐड करते हैं। फर्स्ट में इसको कॉपी कर रहा हूँ, मैं कॉपी कर लिया कॉपी। उसके बाद आप ब्लॉग में जाइए, ब्लॉग में जाने के बाद आप सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद आप चले जाइए सर्च प्रिपरेशन में। आप जैसे सर्च प्रिपरेशन में जाएंगे यहाँ पर देखिए आपको एक तो चीज़ देखने को मिल रहा है, रोबोट कस्टम रोबोट TXT। ठीक है, ये फिलहाल मेरा इनेबल है,
पहले बार कर चुका हो तो आपको दिखाने के लिए फिर से कर रहा हो। ठीक है, आप जैसे एडिट में क्लिक करते यहाँ पर देखिए आपका ये जो है, इसको सिलेक्ट करें, डिलीट करें, उसके बाद इसको पेस्ट करें। जो चीज़ आप अभी यहाँ से जो कॉपी किए थे इसको आपको पेस्ट करना है। ठीक है, और सेव में क्लिक करते, आप जैसे सेव में क्लिक कर देते फिर इसका जो साइड मैप है XML वो क्रिएट हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इस तरह आप आसानी से अपना जो ब्लॉग का साइट मैप है उसको आप ऐड कर सकते हैं। वर्डप्रेस का बारे में अगर जानना है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिए, आपको बताएंगे वर्डप्रेस भी कैसे किया जाता है। तो बस इस वीडियो इतना तक ही, उम्मीद करते हैं इस वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ऐसे वीडियो देखने और पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।